नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज के मैं इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जिसे अगर आप अपने फ़ोन में डाउनलोड इंस्टॉल कर लेते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके नंबर पर जैसे ही कॉल करेगा तो आपके फ़ोन के होम स्क्रीन पर उस व्यक्ति का फोटो दिखाई देगा। जैसे ही उसका कॉल आएगा आपके फ़ोन के होम स्क्रीन पर उसका फोटो दिखा देगा आपका फ़ोन। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे नंबर पर कॉल करने वाला व्यक्ति कौन है, या आप किसी भी व्यक्ति के पास कॉल करते हैं तो आपके फ़ोन के होम स्क्रीन पर ही उसका फोटो दिखा देगा यह एप्लीकेशन यानी कि आपका फोन। तो ये एप्लीकेशन काफ़ी अच्छा है, इसी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसका नाम है आइकन एप्लीकेशन है और इसे आप गूगल प्ले स्टोर से बड़े ही आसानी से डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप चाहते हैं तो हमारी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर भी लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। और दोस्तों, ये आइकन एप्लीकेशन किस तरह से फोटो दिखाता है, कहाँ से दिखाता है, इस पर मैं एक अलग वीडियो बना दिया हूँ जिसका लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप चेक कर सकते हैं और इस वीडियो को देखकर आप समझ सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आइकन एप्लीकेशन पर अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं और यह हमारे फ़ोन में किस तरह से फोटो दिखाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको बता देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है मंगेश कुमार और आप सभी का स्वागत है संस्कार चैनल मंगेश के एक नए वीडियो में। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए कि दोस्तों, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुका हूं और मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड इंस्टॉल करके। तो दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है कि गूगल प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। तो ये देखिए कि ये रहा मेरा गूगल प्ले स्टोर, तो मैं करता हूं इसे ओपन। गूगल प्ले स्टोर को जैसे ही आप ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद आपको सर्च लिस्ट में सिंपली लिख देना आइकॉन, तो CON आइकॉन, और कर देना है इसे सर्च। उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह से आता है और यहीं आइकन एप्लीकेशन है। उसके बाद यहां पर इंस्टॉल वाले बटन पर क्लिक करके आप डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं। देख लीजिएगा आइकन एप्लीकेशन जो कि इस तरह से है, इसे देख सकते हैं आप, इसका लोगो यह है। तो यह डाउनलोड इंस्टॉल होता है, तब तक हम थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा आइकन एप्लीकेशन पूर्ण रूप से डाउनलोड इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद हम ओपन वाले बटन पर क्लिक करके करते हैं आइकन एप्लीकेशन को ओपन, यानी कि इस एप्लीकेशन को खोल लेते हैं। तो ओपन वाले बटन पर हम क्लिक करते हैं, ओपन वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं हमारे सामने जो कि है कि इस तरह से आता है। अब यहाँ पर ऊपर देखिएगा लेफ्ट साइड कोने में, तो आपको इंग्लिश सेलेक्ट हो दिखेगा, तो और उसके बगल में एक झंडा आपको दिखाई देगा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको जो कि है कि अपना देश का झंडा और भाषा सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर इंडिया का झंडा है, उसके बाद यहाँ से हिंदी हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। ओके वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पर लोडिंग होता है और कुछ देर तक हमें इंतज़ार करना है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने जो कि है कि इस तरह से आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा इंडिया का झंडा आ गया है, हिंदी आ गया है, और यहाँ पर आपको मिलता है स्वागत आइकॉन, तेज डाउनलोड डायलर और कॉलर आईडी, दोस्तों यहीं बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि शुरू करें यानी कि प्रारंभ करें, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इसे पढ़ लीजिए, उसके बाद जारी रखें, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से आपको परमिशन दे देना है, अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका अपना नंबर डाल देना है, और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि SMS का उपयोग करें, इस पर क्लिक आपको करना है। तो यहाँ पर हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका नंबर ले लिया है, तो ठीक है, अगर नहीं लिया है तो नंबर को आप चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद SMS का उपयोग करें, इस पर हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर भेजा गया आपके नंबर पर वेरिफिकेशन कोड आया है SMS के द्वारा, उस कोड को यहाँ पर डालना है। तो यहाँ पर हमारा क्या है 36018, उसके बाद जारी रखें, इस पर क्लिक कर देते हैं। हमारा कोड जो कि सत्यापित हो गया, उसके बाद कृपया प्रतीक्षा करें, हमारे सामने आया है। उसके बाद यहाँ से आप फोटो लगा सकते हैं और यहाँ पर अपना नाम दे सकते हैं। तो जैसे कि मेरा यहाँ पर मंगेश कुमार है और यहाँ पर हम फोटो लगाना चाहते हैं, तो फ़ोटो लगा लेते हैं। तो गैलरी पर क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से हम एक फ़ोटो अपना ले लेते हैं, जो भी फ़ोटो हमें लगाना है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर ऊपर टिक मार्क है, सही का चिन्ह है, इस पर लगा देते हैं, क्लिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम डाल देना है, उसके बाद यह मैं हूँ, इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी कॉल 7 दिन के लिए, यहाँ पर आपकी कॉल जो कि है कि 7 दिन के लिए रिकॉर्ड रहती है,
तो यहाँ पर ठीक है कर लेना है। अगर इसमें करना चाहते हैं तो ठीक है, आपको जो सेलेक्ट इसमें से करना है उस पर कर सकते हैं। उसके बाद ठीक है इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए कि तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताया जाता है कि कॉलर आईडी के साथ अज्ञात कॉल की पहचान करने के लिए अनुमति दे, तो यहाँ से आप देना चाहते हैं तो दे दीजिए। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसे ऑन कर लेता हूँ, बैक करता हूँ फिर से और फिर से इसे ऑन कर देता हूँ और यहाँ से यस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगला का हमें बटन मिल गया तो इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद जैसे ही हम क्लिक करते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारा जो किया कि आइकन एप्लीकेशन पूर्ण रूप से बनकर हो गया तैयार। इसके बाद दोस्तों हमारे फ़ोन में जितने सारे नंबर सेव होंगे उनका फ़ोटो दिखाई देगा, तो ये डायरेक्ट फेसबुक से दिखाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा आइकन एप्लीकेशन का आईडी बनकर पूर्ण रूप से तैयार हो गया है और एक नंबर पर हम कॉल करके देखते हैं कि क्या सच में बताता है कि नहीं। तो चलिए हम यहाँ से एक नंबर पर कॉल करते हैं। उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा जो कि यहाँ पर फोटो भी दिखा दिया। तो इस तरह से आइकन एप्लीकेशन काम करता है आपके सामने। और यहाँ पर ऐड आते रहते हैं तो इसे कट करके हटा देना है आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस नंबर पे जो फोटो सेव है वह दिखा दिया, फेसबुक से डायरेक्ट दिखाता है। अगर आइकन एप्लीकेशन का आईडी बना होगा और वहाँ पर फोटो जो लगा होगा वहीं से दिखा देता है। उसके बाद यहाँ पर आपको तो पता चल गया कि यह दिखा देता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर किसी के भी फेसबुक अकाउंट पर आप जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर यह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भगत लिखा हुआ है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं एक बार। और यहाँ पर जो कि एक पब्लिक या सिंपल है इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेसबुक पर जा सकते हैं, SMS पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम फेसबुक पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम डायरेक्ट इनके फेसबुक पर जा सकते हैं इस तरह से। तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे नंबर पे जो कॉल किया है उसका फ़ोटो क्या है, वो कौन है। और उसके बाद वापस जाते हैं और यहाँ पर जितना भी हम कॉल पे बात करते हैं उसका रिकॉर्ड रहता है 7 दिन तक। तो इसके लिए आपको यहाँ पर देखिए कि लेफ्ट साइड कोने में ऊपर आपको एक छोटा सा माइक का सिंपल दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पर क्लिक जैसे ही आप करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जितने भी कॉल आप किए होंगे वो सब रिकॉर्ड रहता है, तो यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि क्या बात किया है, कौन व्यक्ति, यह सब सुन सकते हैं, देख सकते हैं आप। इस तरह से यह 7 दिन तक रिकॉर्ड रहता है आइकन एप्लीकेशन पे। इस आइकन एप्लीकेशन की बहुत सारी खासियत है जो एक मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ उसमें बताया हूँ। फिलहाल इस वीडियो में यही था कि आइकन एप्लीकेशन पे अपना आईडी कैसे बनाते हैं और इसे चालू कैसे करते हैं। तो हम बना दिए और आपको प्रूफ भी कर दिए दोस्तों आप चाहते हैं कि हम अपने आइकन एप्लीकेशन पे जो हमारा प्रोफाइल है वहाँ पे कैसे जाएं, जो फ़ोटो लगाए हैं उसे चेंज कैसे करें, तो देखिए राइट साइड कोने में नीचे की तरफ आपको एक फ़ोटो लिखा हुआ मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये ऊपर आपका नाम दिखाई देगा, इस पर आपको एक बार टच करना है। उसके बाद यहाँ से आप जो कि फ़ोटो बदल सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको करना है कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप आइकन एप्लीकेशन को बड़े ही आसानी से यूज कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप वीडियो काफ़ी अच्छे समय पर देख पाएगा। तो चलिए अगले वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। बाय बाय।